पर उपस्थित आदरणीय हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जी साहब, मेरे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी साहब, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतपाल जी और राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी, सांसद अर्जुन जी मेघवाल, पूर्व सांसद मानविंदर जी, पूर्व मंत्री जनार्दन जी, प्रदेश उपाध्यक्ष ओंकार जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के सलावत जी, पूर्व विधायक दारिंग सिंह साहब और जिला अध्यक्ष मेजर पर्वत सिंह जी, और इतनी भारी संख्या में मेरी सब माताएं बहनें जो आई हुई है, सबसे पहले आपको प्रणाम करूंगी। सात माताएं बहनें आपको प्रणाम, और साथ में मेरे साथ इतनी सारी संख्या में बुजुर्ग और भाई आए हुए हैं। आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी गर्मी के बावजूद भी और मेरी देर होने के बावजूद भी आप लोग यहाँ से कस से मस नहीं हुए, और आप लोगों ने इतनी जोरदार प्यार की ऊर्जा हमें दी है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये अब हमारा सातवां पड़ाव। हम लोग अब करीबन 11,000 किलोमीटर चल के आप लोगों के पास आए। पिछले 4 महीने से ये यात्रा चल रही है, और मैंने ये कोशिश की कि जगह जगह पे सबसे पहले आप लोगों के बीच में आके आपकी समस्या को समझने की मैं कोशिश करूं, क्योंकि मैं ये मानती हूं कि ये क्षेत्र के अंदर जो समस्या है वो सबसे हमारी ज्वलंत समस्या है, हमारी मूलभूत समस्या है। और मेरे को दुख इस बात का है कि 65 साल निकलने के बाद भी आज हमारी सरकार इस चीज को समझ नहीं पा रही है, और आप लोगों को 53 साल के बाद जो समस्या समझाना पाई चाहिए था उसको वो पूरा नहीं कर पाई है। मैं इसीलिए आप लोगों से यह पता करना चाहती हूँ, मुझे मालूम है कि बड़ी मुश्किल से आपके इस क्षेत्र में अब पानी आ गया है, धीरे धीरे आना चालू हो गया है, क्योंकि इसके पहले आना था तो मुझे मालूम था कि पानी नहीं था, खारा था, और यहाँ लोग टैंकर से पानी पिया करते थे। कुछ ही दिन पहले पानी यहाँ आने लगा है और मुझे उसकी खुशी है, परंतु उसके साथ साथ बिजली की जोरदार किल्लत है। है क्या बिजली है मुसीबत? माता बहनों से पूछती हूँ तो मुझे मालूम है कि उनको घरेलू बिजली सही तरीके से नहीं मिल रही है। हो सकता है 8 घंटे बिजली, और वो भी ट्रिपिंग के साथ, अब आप लोगों को घर के अंदर मिलती है। मैं जब छोड़ के गई थी 2008 के साथ माता बहने, उस समय आपके लिए एक ऐतिहासिक बिजली की लाइन जिसको घरेलू बिजली और सिंगल फेज बिजली कहते हैं, वो छोड़ के गई। अब जाने से पहले उसको 18 से 20 घंटे तक मैंने पहुंचाने का काम किया था, और मैं ये जानती हूँ कि जब सरकार वापस अपनी आएगी तो 24 घंटे बिजली देने का काम आप लोगों को लगातार हम करके जाएंगे। सब लोगों को विश्वास करना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे किसानों को अभी 8 घंटे बिजली मिलनी चाहिए थी, वो मुश्किल से 3 घंटे मिलती है, और वो भी जोरदार ट्रिपिंग के साथ। क्या ये सही है? और ट्रिपिंग के साथ रास्ते भर जहां जहां गाड़ी रुकी है वहां मेरे को लोगों ने ये कहा है कि बिजली के इंतजाम करिए। ये सौर ऊर्जा की वजह से इतने सारे पंखे लग गए हैं, यहाँ से बिजली बाहर जाती है, हमारे लोगों को नहीं मिलती है। और मैं समझती हूँ कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है। इतने लाखों मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ऊर्जा की नीति के अंदर परिवर्तन करके पहले ऊर्जा आप लोगों को दिलाने का काम करेगी, ताकि इलाके के अंदर फिर ऊर्जा मिले, उसके बाद ये ऊर्जा बाहर जाए। आज ये स्थिति हो रही है कि ऊर्जा आपको नहीं मिली परंतु फैक्ट्री वालों को मिल रही है, और इतनी जमीन इसने घेर के रख लिया है, आपके सब ओरन उसके अंदर चले गए हैं। और जगह जगह के अंदर मैंने देखा कि जयपुर के अंदर से लोगों ने यह तय कर लिया है कि हम लोग यहाँ की हजारों एकड़ जमीन हम लोग इनको दे देंगे। मैं आप लोग सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इसकी एक नीति तय हम लोग करेंगे, ताकि जिन लोगों को पट्टे नहीं मिले हैं, जिन लोगों ने हजारों मैंने मालूम बरसों से वहां उनका परिवार बसा हुआ है, मेरी सरकार जब गई थी तो पट्टे देते देते हमने छोड़ा था। हम आपको सबको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो पट्टे का काम जिसको भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा था, सरकार आने पर उस पट्टे का काम फिर से चालू करके उन लोगों को जिनको पट्टे अभी तक नहीं मिले हैं उनको पट्टा देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो हो गया। मैं आप लोगों को ये दूसरी बात कहना चाहूंगी, और यही बात कहना चाहूंगी
कि 65 साल निकल गए, 65 साल का राज इस कांग्रेस का राज रहा है। 5 साल भारतीय जनता पार्टी को हमने दिया और उसके साथ 7 साल भैरव सिंह जी का हुआ, 53 साल इनको मिला है। उधर 15 साल आपने नरेंद्र मोदी को दिया तो नरेंद्र मोदी ने काया पलट करके छोड़ा कि नहीं गुजरात के अंदर। उधर आपने मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी को दिया तो 10 साल के अंदर उन्होंने किया। और यहाँ 53 साल अपन ने कांग्रेस को दिए और कांग्रेस ने गर्त में पहुंचा के राजस्थान को रखा। ऐसी सरकार को उस कुर्सी पे बैठने का हक है क्या? है क्या? ऐसे लोग जो काम नहीं करते हैं, जो आपको बिजली नहीं देते हैं, जो पानी नहीं देते हैं, जो आपके रोजगार का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ क्या उसको उस कुर्सी पे बैठने का हक है? रोजगार पे आ जाओ भाइयों। यहाँ मैं पूछना चाहती हूँ कि इतने दिन निकल गए, 4.5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो हमने 10 लाख नौकरियां दी थी अपने लोगों को, हमारे बच्चों को सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब मैं देखती हूँ कि लाखों लोग बसों के ऊपर बैठ बैठ के, लाखों लोग ट्रेनों के ऊपर बैठ बैठ के, और 200-250 नौकरी के लिए या 2000 नौकरी के लिए जो पटवारी की नौकरी थी उसके लिए लाखों में फॉर्म भरते हैं, परीक्षा करते हैं। अगर लगातार हर साल इन लोगों को नौकरी दी होती तो आज ये स्थिति हम लोगों को देखने को नहीं मिलती। और एक नई चीज आ गई है, एक परीक्षा है जिसका नाम है टेट। इस टेट की वजह से बहुत सारे बच्चे, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। मैंने सबको ये बताना है कि इस टेट का प्रबंधन अपन करेंगे और जैसे पहले RPSC के अंदर नौकरी हम लोगों ने सबको दी थी उस तरीके से हमारे बच्चों को नौकरी देने का इंतजाम करेंगे। बाकी सबसे पहले बिजली का इंतजाम, पानी का इंतजाम और रोजगार का इंतजाम आप लोगों का हो जाएगा। ये अपने क्षेत्र के अंदर लोगों को अपना पट्टा मिलेगा और उनको अपने ऊर्जा का एक हिस्सा मिलेगा ताकि उन लोगों को कहीं बाहर दौड़ने की जरूरत नहीं होगी। ये विश्वास आपको मैं दिलाना चाहती हूँ। आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर एक डॉक्टर दंपति नियुक्त है, उसको छोड़ के पर्याप्त सेवाएं भी नहीं मिल रही है और लैब टेक्नीशियन का पद जब खाली है तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किसी को मुफ्त दवाई या मुफ्त जांच कैसे मिल रही है? मिल रही है किसी को या मिल रही है किसी को? मिल ही नहीं पाती क्योंकि यह डॉक्टर नहीं है। अब जब डॉक्टर नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है तो आपको किस तरीके से मुफ्त जांच होगी? वैसे जयपुर में तो खबर ये आती है कि आप लोगों के यहाँ बहुत सारा इंतजाम हो गया है, आप लोगों को दवाई भी फ्री मिल रही है और आप लोगों को चेकअप भी फ्री मिल रहा है, परंतु क्षेत्र के अंदर आके जब देखते हैं तो ये बात सही नहीं है। इसी तरीके से स्कूल, आपके शिक्षकों की कमी और कहीं तो स्कूल बंद, कई स्कूल खुले, कई स्कूल पे ताला लग गया क्योंकि वहाँ टीचर नहीं है। जहाँ टीचर है वहाँ बच्चे नहीं और जहाँ बच्चे है वहाँ टीचर नहीं, ये कैसी दुविधा है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये स्कूल खुलना ये अत्यंत आवश्यक है, टीचर को लाना ये भी आवश्यक है क्योंकि जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तब तो आगे जाके कंपटीशन में बैठ के उनको रोजगार मिलेगा और जब रोजगार मिलेगा तो राजस्थान आगे बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हमारे टीचर और हमारी व्यवस्था शिक्षकों की वो भी सही मिले। इसके साथ साथ आपके सड़कों की हालत मैंने देखी है, इलाके के अंदर ऐसी कोई सड़क नहीं है जो जर्जर नहीं है, इसको छोड़ दो, परंतु हर सड़क जो अंदर जाती है वो गड्ढे गड्ढे हैं। है कोई सड़क नहीं बनी इधर, कोई नई सड़क बनी? मैं जहाँ देख रही हूँ वहां सब लोगों ने मुझे कहा कि जर्जर पड़ी है और यहाँ तो 4 साल पहले बरसात में खराब जो सड़कें हुई वो अभी तक भी सुधरी नहीं है। ये सही है? तब से नहीं सुधरी, 4 साल पहले से लेके आज तक नहीं सुधरी, तो ये समझ लो कि ये 6 महीने में सुधरने वाली नहीं है। और शिव विधानसभा के अंदर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो चिकित्सा शिविर लगाए गए पशुओं के लिए और फसल बीमा की राशि जो हमारे लोगों को नहीं मिला, इन सब चीजों का इंतजाम अपनी सरकार आएगी तो वो जरूर करेगी। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे पास एक कागज आया, इस कागज के अंदर लोगों ने यह लिखा है कि किसान की भूमि जो इसमें डेजर्ट नेशनल पार्क में आ जाता है उससे भी आप लोगों को बहुत सारा संकट हो रहा है, क्या ये सही है? डेजर्ट नेशनल पार्क से संकट हो रहा है वो सही है? सरकार को ये चाहिए कि हम लोग एक साथ बैठें
और एक साथ बैठे उसको सुलझाने का काम करें, ताकि जिनके गांव वहां है उन लोगों को उनकी सुविधा भी मिले और डेजर्ट नेशनल पार्क की भी सुविधा को इंतजाम करने का हम लोग कर रहे थे। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि 4-4.5 वर्ष गुजर गए, इन 4-4.5 वर्ष के अंदर मैं नहीं देख रही कि कोई भी अच्छा काम इस सरकार ने किया है। हमारी महिलाओं की इज्जत जरूर उसके ऊपर अत्याचार हुए हैं, हमारी महिला सुरक्षित नहीं है। आज माताएं बहनें, आपकी बेटी कई स्कूल चली जाती है, कॉलेज चली जाती है, तो जब तक वापस नहीं आती तो कैसा दिल धड़कता है, कितना डर लगता है कि मेरी बेटी घर आएगी कि नहीं आएगी। और मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि जो परिवार अपनी बच्चियों को संभाल नहीं सकता, उस परिवार को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे परिवार को, ऐसे परिवार के मुखिया को उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। और आज मैं कहती हूँ कि अगर हमारे परिवार के लोग किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है, तो सब लोगों को मैं ये कहना हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, वो इस परिवार का है और इस परिवार को आगे बढ़ाने का काम हम सबको मिलकर करना है। इसीलिए मैंने कहा 36 के 36 कौम और सब मजहब ये मिलके चलेंगे, तब ये प्रदेश का एक बहुत बड़ा एक नया राजस्थान बनेगा। आप लोग सब बॉर्डर के ऊपर बने हो, मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि बॉर्डर के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट है और बॉर्डर के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने बहुत बड़ा काम इस इलाके के अंदर किया है। और आप लोगों को सुरक्षित करके और आप लोगों को सब अपने जो भी जरूरत है उन जरूरतों को आप तक पहुंचाने का काम सरकार का बन जाता है। आज इसलिए सब लोगों को मुझे ये कहना है कि नया राजस्थान अगर हम सबको मिलके बनाना है तो इसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, अकेले कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो आप क्या तैयार हो चुनाव लड़ने के लिए? क्या आप तैयार हो लड़ाई लड़ने के लिए? क्या आप तैयार हो एक नया काम करने के लिए? और अगर आप लोग सब तैयार हो तो मैं सब लोगों को यह कहना चाहती हूँ, और आज मुझे बहुत खुशी है कि अल्पसंख्यक समाज को भी मैं बहुत जोरदार तरीके से यहाँ देख रही हूँ। रोजा की बधाई हो आप लोग सबको, आज मेरी अष्टमी है, माने नौ दुर्गा है हम सबकी, और आप लोगों के रोजे, इसलिए दोनों को बधाई हो। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहूंगी कि वो किसी भी एक अलग मजहब के ऊपर नहीं या किसी भी एक अलग जात पे नहीं, आप सबको साथ मिलकर इस परिवार को मजबूत करना है। मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? या सब लोग जो बैठे हैं उन लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ, हाथ ऊपर करके सब लोग तय कर लो कि आने वाली सरकार हम सबकी सरकार होगी। आने वाली सरकार में हम लोग सब मिलके अपना योगदान देंगे। देंगे देंगे कि नहीं देंगे? सब मिलके देंगे। और ये सरकार एक नया राजस्थान बनाएगी जिसमें हमारे बच्चे अपने तरीके से रोजगार लेंगे, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहेंगी, हमारे किसान उनको सही टाइम पे बिजली खाद बीज पानी और सही दाम मिलेंगे, वो भी मजबूत हो जाएंगे, और यह फैक्ट्री भी लगेगी ताकि हमारे बच्चों को नौकरियों का भी इंतजाम होगा। आप लोग अगर तैयार हो तो एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान।